आपको क्वेश्चंस जो करने हैं एग्जाम में भी इनफैक्ट इस तरीके के पेजेस पे करना है। एक पे पूरा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस जाएगा, और ये पूरा बैलेंस शीट तो नहीं जाएगा, लेकिन हाँ ये पूरा हमारा लगभग लगभग मान के चलो 75% एरिया कवर हो जाएगा ये। तो ये रखना, काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं, तो जो प्रॉब्लम फेस करोगे, जैसे मान लो यहाँ हमने पी एंड एल बना लिया और इधर हमने बैलेंस शीट बना लिया, तो हमें बार बार पलट पलट के देखना पड़ता है, जिससे कि गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप सिंपली क्या रखेंगे, आमने सामने रखेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बेसिकली क्या है, जो हमने ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस सीखा था उसी से रिलेटेड आगे ये सारा है। सर हमने क्या क्या सीख लिया था, सर हमने देखा था सबसे पहले क्या डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, जितने भी फैक्ट्री में होने वाले खर्चे होते हैं वो सारे के सारे कौन से खर्चे होते हैं हमारे, डायरेक्ट, और ऑफिस में होने वाले होते हैं इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एक्सपेंस हमारा कहाँ से रिलेटेड करता है सर, डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड करता है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ से रिलेटेड करता है, पी एंड एल से। हमने एक फॉर्मेट देखा था ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस का, जो आपके सामने है, लास्ट क्लास के हमने अंदर फॉर्मेट फॉर्मेट देखा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं किया था। इसके अंदर हमने एक कुछ पॉइंट्स है, अगर आपको सिर्फ रेंट बोलता है तो हमेशा ऑफिस का मानना है, सिर्फ कैरेज बोलता है तो हमेशा आपको डायरेक्ट यानी फैक्ट्री का मानना है, इस तरीके से हम चल रहे थे। तो आज एक क्वेश्चन भी टेस्टिंग कर लेते हैं, इस क्वेश्चन के करने के बाद हम काफ़ी सारे एडजस्टमेंट करेंगे, हालांकि इस क्वेश्चन में भी एडजस्टमेंट दे रखा है, तो हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। एग्जाम में सर कैलकुलेटर अलाउड है, तो सो दैट आप कैलकुलेटर परचेज कर ले, मेरे पास अभी है नहीं कैलकुलेटर, नहीं तो मैं दिखा देता, सिटीजन का नॉर्मल सा कैलकुलेटर आता है रेगुलर बेसिस, अगर उसके अंदर कुछ टैक्स के कीज होंगे तो वो एग्जाम में निकाल के बाहर कर देंगे वो। तो सिंपल कैलकुलेटर लेना है, मैं अगली क्लास में दिखा दूंगा कि इस टाइप का कैलकुलेटर चाहिए होगा। तो चलिए, और आदत अभी से डालना है, काफ़ी सारे बच्चे पता है क्या करते हैं कि अभी से मोबाइल पे, जैसे कि सोचते हैं कैलकुलेटर तो यूज़ है ही है, मोबाइल से कर लेते हैं, तो मोबाइल पे करने के बाद मोबाइल पे आपका हैबिट हो गया, ठीक है, लेकिन एग्जाम में उस कैलकुलेटर पे हैबिट ही नहीं होगा। आपके एग्जाम में 15-15 नंबर के 5 क्वेश्चन जरूर आएंगे, ये फैक्ट है, लेकिन वो क्वेश्चन सारे बड़े बड़े होंगे, ये भी सच्चाई है, एक क्वेश्चन को करने में टाइम लगेगा ही लगेगा। तो सर पहला क्वेश्चन हमारा है, जो कि आपकी किताब में क्वेश्चन नंबर 2 है, जिनके पास बुक है वो बुक में देख सकते हैं, जिनके पास बुक नहीं है मैं सामने डिस्प्ले भी कर रहा हूँ क्वेश्चन। हालांकि सर क्या कहता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कहता है कि आपका ट्रायल बैलेंस दे रखा है और इससे आपको मदद से बैलेंस शीट बनाना है। थोड़ा मैं इसको बड़ा कर दूं आपके लिए, चलिए मैं पढ़ता जाऊंगा, समझ में आता जाएगा। करने का तरीका क्या होना चाहिए, काफी सारे बच्चों का मानना होता है कि हम एक काम करते हैं, पहले ट्रेडिंग बना लेंगे, फिर पी एंड एल बनाएंगे और फिर बैलेंस शीट बनाएंगे। हमारा करने का प्रोसेस कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए, पेपर में हमेशा गलती होने के चांसेस रहेगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मेट बना लेंगे, लेकिन सर फॉर्मेट में कई बार हम लोगों से पता है क्या दिक्कत क्या होती है, सर हमने ट्रेडिंग इतना बनाया और फॉर्मेट में सब बनाते गए, लेकिन पता चला यार यहाँ जगह बचा ही नहीं, तो फिर दिक्कत हो जाती है अच्छी खासी। तो मैं इसके लिए भी आपको बता देता हूँ कि क्या करना है फॉर्मेट के अंदर। फॉर्मेट के अंदर देखा जाए तो आप ट्रेडिंग के अंदर 10 लाइन से, 10 से 12 लाइन से ऊपर का कभी ट्रेडिंग बन ही नहीं सकता सर, 10 लाइन मैक्सिमम बोल दिया मैंने, 10 लाइन से ऊपर का कभी ट्रेडिंग नहीं बन सकता पी एंड एल, बाकी का बैलेंस पूरा लाइन छोड़िए नीचे जितने भी रजिस्टर में। तो मैं मान के चल रहा हूँ मेरा ट्रेडिंग इतने में कंप्लीट हो जाएगा, मैंने पहले लाइन डाल दिया, इससे ऊपर का हिस्सा सारा ट्रेडिंग और नीचे का हिस्सा पी एंड एल, पी एंड एल कितना नीचे जाएगा कुछ कह नहीं सकते, और बैलेंस शीट हमने साइड में रखा है। करना क्या है, सबसे पहले दे रखा है कैपिटल, तो कैपिटल सबसे पहले दे रखा है, तो हम पहले वर्ड को, ये लाइबिलिटी है और ये हमारा एसेट है, प्रॉपर चीजें लिखनी है आपको एग्जाम में, आपने अगर इसके नीचे एज एड नहीं लिखा तब भी मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कैपिटल, हमेशा याद रखिएगा, जैसे जैसे जो डेटा मिलेगा वैसे वैसे मैं फिल करता रहूंगा, आप देखते जाइएगा कि क्या क्या चीजें कैसे होना है, ठीक है। तो सबसे पहले कैपिटल में देखें तो 101500, तो कैपिटल हमेशा इनसाइड लिखिएगा, 101500 कैपिटल हमेशा इनसाइड। क्यों सर इनसाइड क्यों रखा आपने, क्योंकि इसके अंदर प्रॉफिट भी हो सकता है और ड्रॉइंग भी, फॉर्मेट में करवाया था तो हमेशा इनसाइड रखेंगे। सर इसके बाद कैपिटल के बाद देखते हैं कैश इन हैंड, कैश इन हैंड एसेट्स हैं, तो यहाँ पे आ गया हमारा कैश, सर कैश इन हैंड देखा जाए तो 6470। इसके बाद आगे देखा जाए तो कैश एट बैंक है, तो सिर्फ हम बैंक में लिखेंगे तब भी चलेगा, सर बैंक का बैलेंस है 17190। इसके बाद दे रखा है ओपनिंग स्टॉक, सर ओपनिंग स्टॉक हमारा ट्रेडिंग का पार्ट होता है, सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक
सर कितने का है ओपनिंग स्टॉक, देख लेते हैं अमाउंट। ओपनिंग स्टॉक का हमारा 40,000 रुपीज, तो सर ये आ गया हमारा 40,000 रुपीज। ओपनिंग स्टॉक के बाद देखा जाए तो और क्या है हमारे पास अवेलेबल, ओपनिंग के बाद हमारे पास है फर्नीचर अकाउंट, तो फर्नीचर कितने का है हमारा सर 66, तो फर्नीचर यहां लिखेंगे फर्नीचर 66। नीचे कोई एडजस्टमेंट है नहीं, मैं एडजस्टमेंट पे तो बाद में ही डिस्कशन करूंगा। फर्नीचर के बाद सन्ड्री डेटर दे रखा है, अब डेटर के अंदर दे रखा है आपको अलग अलग नाम, तो आपके पास दो ऑप्शन है डेटर को लिखने का। पहले तो हमने जितने भी डेटर देखे कभी नाम देखने को मिलता नहीं था, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, यहां पे आप डेटर का हेडिंग डालोगे। आप सिंपल क्या कर सकते हो, मान लो मैंने यहां लिखा डेटर, आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है सभी डेटर को आप ऐड कर दो ब्रैकेट में और एक ही बार लिख दो, टाइम तो है नहीं, एग्जामिनर ने अलग अलग लिखा है उससे कोई मतलब नहीं। 18,500 प्लस 4,000 और सर प्लस 3,400, प्लस क्या आ जाएगा हमारा 3,400, 4,000 और इसमें प्लस कर देते हैं 3,400। इन सभी को ऐड करके इकट्ठा डेटर के आगे लिख सकते हैं। बच्चे बोलते हैं सर हमारा ऐसे दूसरा और क्या तरीका है, दूसरा है आप यहाँ पे दिखाओ भी मत, डायरेक्ट लिख सकते हो। और क्या ऑप्शन अवेलेबल, आप सबका जैसे नाम लिख रखा है वैसे लिख दीजिए आप, लेकिन जब बैड डेट्स वगैरह आएगा ना, आपको पता है कि इसके अंदर थोड़े बहुत बैड डेट्स भी आते हैं, तो बैड डेट्स वगैरह आएगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो इसलिए हमें टोटल ही लिख लेना चाहिए। तो कितने बन जाते हैं ये बाद में हम टोटल कर लेंगे, वैसे कितने बन रहे हैं 8, 4, 22, 500 और 3, 25,900। टोटलिंग आप क्रॉस वेरीफाई करते जाइएगा, कमेंट में लिख दीजिएगा कि आपका लाइव लेक्चर बाद में देख सकते। हाँ बिल्कुल, लाइव लेक्चर आप बाद में भी देख सकते हो जिन बच्चे का कमेंट है। आपका बिल्स पेबल, सर बिल्स पेबल कितने का है 13,000 का, बिल्स पेबल मैंने लिख दिया यहाँ 13,000 रुपये का। सर इसके बीच में गैप क्यों दिया, गैप यहाँ से यहाँ तक आपको कैपिटल के बीच में 4 लाइन कम से कम गैप दे के चलना है। क्यों 4 लाइन गैप देना है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट ऐड हो सकता है और लॉस लेस हो सकता है, ड्रॉइंग का एडजस्टमेंट आ सकता है। तो कितने लाइन दोगे यहाँ पे गैप, 4 लाइन कैपिटल के बाद। तो जैसे बोल रहा हूँ मैं ये आप तो ध्यान रखिएगा। एडवर्टीजमेंट अकाउंट सर 500 रुपये का है। एडवर्टीजमेंट कहाँ पे होता है, फैक्ट्री का कभी ऐड नहीं होता, हमेशा ऑफिस का होता है। तो P&L में चला जाएगा एडवर्टीजमेंट तो 500 रुपये, मैं थोड़ा शॉर्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे एडवर्टीजमेंट। सर इसके बाद आगे देखा जाए तो क्या है सर, ट्रेड एक्सपेंस। ट्रेड एक्सपेंस मैंने क्लास के अंदर भी डिस्कस किया था कि ट्रेड एक्सपेंस सुनने में लगता है ट्रेडिंग का पार्ट है, लेकिन ट्रेड होता कहाँ है, ऑफिस में, तो कहाँ डालना है, P&L में। तो यहाँ पे डालना है अपने ट्रेड एक्सपेंस P&L में। ट्रेड एक्सपेंस कितने रुपए हैं सर, 100 रुपए का ट्रेड एक्सपेंस है। इसके बाद आगे देखा जाए तो सैलरी एंड वेजेस, ध्यान दीजिए सैलरी एंड वेजेस, पहले वर्ड क्या है सैलरी, तो सर हमारा कहाँ P&L या ट्रेडिंग, P&L, तो सैलरी एंड वेजेस कितने रुपए का है बताइए, 2,000। और एक चीज ध्यान रखिएगा, कॉलेज के अंदर ना एक चीज मैंडेटरी नहीं होता कि टू और बाय लगाएं आप, आपके 11th 12th में तो बोला जाता है टू और बाय लगाइए, कॉलेज के अंदर ये हटा दिया जाता है टू और बाय लगाइए या मत लगाइए, लेकिन ऐसा मत करिएगा कि आधे में टू लगाया और आधे में नहीं लगाया, या तो पूरे में लगाइए या तो बिल्कुल भी मत लगाइए, ध्यान रखना। बैलेंस शीट में तो शुरू से ही टू और बाय का कॉन्सेप्ट होता नहीं है। सर सैलरी के बाद अगर देखा जाए तो क्या है हमारा ऑफिस स्टोर, ऑफिस स्टोर क्या होता है, एसेट्स होता है हमारा, ऑफिस स्टोर होता है हमारा एसेट्स। जैसे स्टोर के अंदर जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह रखे होते हैं ना, उस सभी को हम स्टोर बोल देते हैं, तो ऑफिस स्टोर एसेट्स है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं ऑफिस स्टोर, सर ऑफिस स्टोर ले लेते हैं, ऑफिस स्टोर। सर इसके ऊपर ऑफिस स्टोर में ना एडजस्टमेंट है नीचे, तो इसलिए मैं इसे अंदर लिखूंगा। अब एडजस्टमेंट क्या होता है काफी बच्चों को पता होगा, काफी बच्चों को नहीं पता होगा, सो दैट मैं अभी थोड़ी धीरे धीरे डिस्कस करूंगा उस बात पे। सर ट्रैवलिंग चार्ज, ट्रैवलिंग ऑफिस का खर्चा माना जाएगा, टू ट्रैवलिंग चार्ज सर कितने रुपए का, 50 रुपए का, आप सभी के पास किताब में भी होगा। टेलीफोन चार्ज, जनरली सर टेलीफोन तो ऑफिस में भी होता है और फैक्ट्री में भी होता है, तो टेलीफोन चार्जेस कहाँ लिखे, तो जब कुछ ना बोला जाए तो हम ऑफिस का मानेंगे टेलीफोन चार्ज के केस में, ठीक है। तो टेलीफोन चार्ज ऑफिस का मान लेते हैं, तो यहां आ जाएगा टू टेलीफोन 250। सर इसके बाद टेलीफोन चार्ज के बाद रेंट, रेंट कहाँ का होगा बताइए,
ऑफिस का होगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ भी टू लगा देते हैं, और टू रेंट क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम है तो टू रेंट। कितने का रेंट है सर? 1500 का, 1500 का रेंट है। स्टेशनरी 150 रुपये, ये भी हमारा यहीं का खर्चा है। 150 स्टेशनरी के बाद सर क्या है हमारा? हमारा डिस्काउंट अलाउड है, ध्यान रखिएगा। कई बार एग्जामिनर आपके साथ क्या करेगा, सिर्फ लिख देगा डिस्काउंट, और डिस्काउंट लिखने के बाद ये नहीं बताएगा कि वो डिस्काउंट अलाउड है या डिस्काउंट रिसीव है, नहीं बताएगा एग्जामिनर। तो आपको दिमाग लगाना है, अगर डेबिट में है तो वो खर्चे वाला है, अगर डेबिट में है तो डिस्काउंट अलाउड वाला है, और क्रेडिट में है तो डिस्काउंट रिसीव वाला है। अगर अलाउड रिसीव बता दिया तो पता ही चल गया, और नहीं बताया सिर्फ डिस्काउंट लिख दिया उसने, तो आपको पता करना पड़ेगा जी डेबिट में लिखा है या फिर क्रेडिट में। तो यहाँ पे पहले हमारा डिस्काउंट अलाउड है 170 डेबिट में, टू डिस्काउंट 170। सर डिस्काउंट के बाद आगे देखा जाए तो डिस्काउंट रिसीव भी है 3000 का, 3000 का ना डिस्काउंट रिसीव, तो इनकम है तो बाय साइड में आ जाएगा डिस्काउंट रिसीव, और सिर्फ डिस्काउंट भी लिख देंगे तो चलेगा, एग्जामिनर को पता है कि बच्चे ने अगर क्रेडिट में लिखा है तो रिसीव ही होगा। चलिए सर इसके बाद देखा जाए तो और क्या गिवन है हमें, बैड डेट्स गिवन है। बैड डेट्स कितने का? एक मिनट, डिस्काउंट रिसीव है हमारा 320, ओके ये गलत हो गया थोड़ा सा, 320 है, और बैड डेट्स कितने का है? 3000, तो बैड डेट्स सर 3000 का है, तो यहाँ लिखते हैं बैड डेट्स, टू बैड डेट्स 3000। चलिए सर अब इसके बाद ट्रेड क्रेडिटर, इसी तरीके से देखो ट्रेड क्रेडिटर बहुत सारे दे रखे हैं, कौन कौन से, टोनी दे रखे हैं लिमिटेड, और आपका रैत आर क्या लिख रखा है इसने, रैथम, और आगे मॉडर्न है। तो हम क्रेडिटर को इकट्ठा ही जैसे डेटर का ट्रीट किए था ना हमने, क्रेडिटर लिखा और इसके नीचे हम सबको प्लस करके दिखा देते हैं। सर क्या क्या प्लस करके दिखाओगे, कौन कौन है, कितने कितने बताते जाओ, 16000, 28000, और 4000, और भी है, 4000 के बाद 48 है, 38 है, अच्छा इसका टोटल 48 आ गया, चलिए सर 48 लिख दिया। इसके बाद आ जाते हैं हम आगे, कंटिन्यू आगे चलते हैं सर, ये तीनों हमारा हो गया। अब सेल्स की बात करता है, अब सेल्स यहां पे जो किया हुआ है इसने, टोटल सेल्स आपको कहां देखने को मिलेगा सर, क्रेडिट में, क्रेडिट में कितने का सेल्स है सर, 38,900। तो सेल्स हमारा यहाँ आता है, हमेशा सेल्स अंदर लिखिएगा, 38,000 क्यों अंदर लिखते हैं, क्योंकि 99% चांस है कि आपका परचेज रिटर्न भी होगा, और इस क्वेश्चन में नहीं हुआ तो वो अलग बात है, लेकिन आप अंदर लिखिएगा, बाद में बाहर कर दे चाहे आप उसे लिख के। डिलाइट एंड सेफ एंड कंपनी, अब देखिए ये क्रेडिट में है डेबिट में है, लिखता है डिलाइट सेफ एंड कंपनी, अब ये तो पता ही नहीं चल रहा है क्या है ना, तो कई बार हमारे सामने ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि हमें पता ही नहीं चलता सर इसे क्या है और क्या माने, सर इसे खर्चा माने, इनकम माने, एक्सपेंस माने, तो आपको ध्यान देना होगा कि सर ये है कहाँ पे। तो देखा जाए तो ये लिखा हुआ है हमारा क्रेडिट में, तो क्रेडिट में हमारा लाइबिलिटी माना जाएगा, ये सेफ एंड कंपनी को क्या मानेंगे एज अ लाइबिलिटी, तो यहाँ पे लिख देंगे हम डिलाइट, कितने रुपये का, 1600। क्या सर इतने सारे पॉइंट हमें सोचने पड़ेंगे? नहीं, बस एक क्वेश्चन यही है, बाकी सभी क्वेश्चन जैसे करोगे ना, दो तीन क्वेश्चन क्लियर पता चलता जाएगा। तो फाइनल अकाउंट क्या है, बस आपको अमाउंट उठाना है और सही जगह पे प्लेस करना है, टोटलिंग सही से करना बस आप, क्योंकि अब तो देखो कैलकुलेटर भी अलाउड है। 11वीं क्लास के अंदर तो मान सकता हूँ कि आप लोगों से गलती हो जाती थी, लेकिन अब तो कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर पर ध्यान से टोटलिंग करना और उसके हिसाब से चलना है। परचेज अकाउंट सर, परचेज कितने का हमारा, 91, तो यहाँ परचेज, और परचेज भी कहाँ लिखना है सर, अंदर लिखना है, 91940, ठीक है। इसके बाद देखा जाए सेल्स रिटर्न, आ गया ना आपका सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न अब कई बार एग्जामिनर चालाकी क्या करेगा, सेल्स रिटर्न लिखेगा ही नहीं, सिर्फ लिख देगा आपका रिटर्न, ऐसे लिख दिया उसने रिटर्न। तो आप बोलोगे सर रिटर्न में तो क्या है, सेल्स है कि परचेज है बताओ, तो ध्यान देना, अगर रिटर्न हुआ डेबिट में और यह होगा क्रेडिट में, अगर रिटर्न क्रेडिट में है तो पता ही क्या है, परचेज रिटर्न,
और रिटर्न डेबिट में है तो क्या है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए सेल्स रिटर्न आपको डेबिट में देखने को मिल रहा है 2000 रुपये, तो यहाँ से माइनस कर देंगे सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न 2000 रुपये, और परचेज रिटर्न क्रेडिट में मिलेगा तो यहाँ से माइनस कर देंगे परचेज रिटर्न। सर कितने का है परचेज रिटर्न क्रेडिट में? 3200 रुपये का, 3200 रुपये का परचेज रिटर्न, ठीक है ना। इसके बाद आगे चलते हैं सर, इसके बाद परचेज रिटर्न के बाद आ गया पोस्ट डेटेड चेक अकाउंट। पोस्ट डेटेड चेक अकाउंट क्या होता है एक बार समझ लेते हैं। पोस्ट डेटेड चेक, सर पोस्ट डेटेड चेक की अगर हम बात करें तो मान लो एक मिस्टर राम है, मिस्टर राम है और एक मिस्टर मोहन है, राम को ना पेमेंट करना है, सर राम को पेमेंट करना है मोहन को, और मोहन को जो पेमेंट देना है आज मान लेते हैं आज तारीख है 9, और इसको पेमेंट देना है मान लेते हैं 10 तारीख को, 10/12/2022 में इसको पेमेंट देना है। लेकिन आज रात को ही जो राम है ना, राम जा रहा है आउट ऑफ दिल्ली, आउट ऑफ दिल्ली, और ये आने वाले समय में नहीं आ पाएगा 3 से 4 दिनों तक। इसका पेमेंट कब करना है सर? 10 तारीख को। हम ये मान के चलते हैं थोड़ी देर के लिए, हमारे पास कोई फ़ोन पे नहीं है, हमारे पास कोई नेट बैंकिंग नहीं है, कुछ नहीं है, बस चेक के थ्रू ही पेमेंट होना है, ये मान के चलिए, ठीक है। तो सर इसने क्या करा है, इसको पेमेंट देना है और आज ये 9 तारीख को ही इसको जाना है, और आएगा ये 3 दिन के बाद, तो 3 डेज के बाद देखा जाए तो आएगा तो 3 दिन के बाद तो 12 तारीख हो जाएगा। लेकिन मोहन ने बोला भैया तू मुझे आज पेमेंट दे के जा, अगर आज पेमेंट नहीं देगा तो मैं 1000 रुपये पेनल्टी ले लूँगा तेरे से। ऐसे सिचुएशन में राम के पास एक ऑप्शन बचता है कि आज ही बुला ले, किसको? आज ही बुला लेगा उसको, किसको? मोहन को, मोहन को बुलाएगा। अब इसके अकाउंट में पैसे है चाहे नहीं है मैटर नहीं करता, मोहन को बुलाएगा और यहाँ पे इसने नाम लिखा, सर मोहन नाम लिख दिया इसने, और यहाँ पे अमाउंट लिख दिया, मान लेते हैं 1,00,000 रुपये अमाउंट लिख दिया और साइन वगैरह सब कर दिया है। बस डेट में ये पता है क्या डालेगा, 10/12 डाल देगा, और ये वाला जो चेक है ना, ये चेक किसको उठा के दे देगा बताओ? ये चेक उठा के दे देगा मोहन को। अब मोहन के पास चेक आ गया, लेकिन मोहन आज की डेट में अगर जाता है बैंकर के पास के भैया पैसे दे दो, तो बैंकर बोलेगा भैया इसके ऊपर 10 तारीख का डेट डाला हुआ है, अब कब आना है इस पे और 10 तारीख को पेमेंट लेके जाना। तो इसने इसको चेक तो दिया है लेकिन पोस्ट डेटेड दे दिया, डेटेड का मतलब आज नहीं होगा, डेट आगे का होगा, तो इसको बोलते हैं पोस्ट डेटेड चेक। तो ऐसा ही जब कभी भी हमें पोस्ट डेटेड चेक मिलेगा, आप इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, मोहन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये बैलेंस शीट बना रहा होगा तो पोस्ट डेटेड चेक इसके लिए बैलेंस शीट में क्या होगा? एसेट्स होगा ना, क्योंकि इसका पैसा इसको कल तो मिल ही जाएगा, तो इसके लिए क्या होगा? ये एसेट्स। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? पोस्ट डेटेड चेक हमारा क्या होता है? एसेट्स। तो देखिए यहाँ पे सवाल में हमें क्या दे रखा है? पोस्ट डेटेड चेक कितने रुपए दे रखे हैं? 5000। तो कहाँ जाएगा आपका? एसेट्स में जाएगा सर। पोस्ट डेटेड चेक कितने रुपए? इसके बाद सर यहाँ पे ड्रॉइंग अकाउंट है, ड्रॉइंग सीधा यहां से माइनस हो जाएगा, कितने रुपए है? 2500 माइनस हो जाएगा, बस खत्म। लास्ट में कहता है क्लोजिंग स्टॉक, अभी मैं फिलहाल के लिए क्लोजिंग स्टॉक, इसके बाद एडजस्टमेंट स्टार्ट करेंगे हम। क्लोजिंग स्टॉक एक तो यहां पे आ जाएगा हमारा बाय साइड में, बाय क्लोजिंग स्टॉक। सर क्लोजिंग स्टॉक कितने का है? 1,00,000 रुपए का, ये मैंने लिखा 1,00,000, और एक बैलेंस शीट के एसेट्स में भी आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया मैंने 1,00,000 रुपए, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक भी लिख दिया मैंने 1,00,000 रुपए। इसके बाद स्टोर दे रखा है सर, ये जो दे रखा है ना ऑफिस स्टोर, ये बैलेंस है, बैलेंस का मतलब ये बच गया है। पहले चेक करो ऑफिस स्टोर था कितने का? 1200 रुपए का, अब आपका बच गया कितने का है? इसका मतलब बाकी का डेप्रिसिएशन होगा। एसेट्स पे क्या लगता है हमारा डेप्रिसिएशन? पहले कितने का था, अब बच गया 500, तो डेप्रिसिएशन होगा। तो यहाँ पे आपको पता चल गया सर डेप्रिसिएशन है, लेस डेप्रिसिएशन कर दो 700, और बैलेंस बच गया आपका 500 रुपये। और ये डेप्रिसिएशन की डबल एंट्री करोगे यहाँ पे सर, टू डेप्रिसिएशन कितने रुपए का? 700 रुपये का। पहले यहाँ तक देख लीजिए किसी को कोई डाउट, यहाँ तक देखिए किसी को डाउट। हाँ जी रिया, चैट में बताइए आप क्या दिक्कत है, एक बार चैट में बता दीजिए। वॉइस क्लियर नहीं आ रही तो एक बार बताइएगा फटाफट से, वॉइस तो क्लियर है मेरे हिसाब से। चैट में लिख दीजिए आप, हैंड रेज अभी मैं लास्ट में लूँगा।
यहां तक किसी को कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? तो मैं अब देखा आपने कि मैंने क्वेश्चन कैसे किया, कहीं मैंने देखा कि मेरा करने का कभी भी इंटेंशन नहीं था पूरे क्वेश्चन में मैं ट्रेडिंग करूं पी एंड एल, मैंने जैसे जैसे डेटा दिया फिल कर लिया। अब इसके बाद आपने 10 लाइन छोड़ा हो बच जाएगा। अब टोटलिंग करते हैं सर, यहां का टोटलिंग क्या आएगा हमारा, 2000 माइनस कर दोगे तो 36000, तो 136000, यही टोटल सेम इधर लिखना है 136000। हाँ 900 ही लिख रहा हूं, टू ग्रॉस प्रॉफिट। अब आई डोंट नो यहां आ क्या रहा है, माइनस कर देंगे यहां से क्या आ रहा है, माइनस करिए फटाफट, कैलकुलेटर लाए हो आप? मेरा कैलकुलेटर एक और लेना पड़ेगा मुझे। माइनस करिए क्या आ रहा है बताइए फटाफट। क्या आ रहा है? अरे माइनस करिए जल्दी से, 88740। अब इसमें से टोटल में से सबको माइनस करिए, जीपी क्या आ रहा है भैया, जीपी बता दो। जो बच्चे लाइव में उनकी भी बताने रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पूछना है सर जो ड्राइंग दिया है वो क्या है? ड्राइंग हमारे लिए एक कैपिटल को कम करना जाता है, ना तो एक्सपेंस है ना तो इनकम है। जब कभी भी हम कैपिटल में से बिजनेस में से पैसा निकाल लेते हैं दैट इज ड्राइंग है, तो ड्राइंग इसलिए हमारा कैपिटल में से माइनस हो जाता है क्योंकि बिजनेस का कैपिटल क्या हो रहा है यहाँ पे, कम हो रहा है। बताइए इसका टोटल जीपी क्या आया, कितने? 8000। फटाफट टोटलिंग करिए, अगली क्लास में कैलकुलेटर लेके आइएगा। 8160। और देखिए ये वाला जीपी इधर आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट 8160। सर अब इसके बाद यहां निकलेगा नेट प्रॉफिट। कुछ बच्चे कह रहे होंगे बेसबॉल नहीं है, अभी दिखाते हैं। टोटल करिए, यहां पे मेरे ख्याल ये वाला ज्यादा है ना, 8000 और यहाँ पे 3, 2, 5, 2, 7। देखिए लॉस प्रॉफिट क्या आ रहा है, मेरे ख्याल प्रॉफिट ही आएगा, 83, 84, 80। माइनस कर दीजिए जल्दी से, टू नेट प्रॉफिट। माइनस करके बताइए क्या आ रहा है टू नेट प्रॉफिट। कितने? 60 रुपये ओनली। हाँ जी 60 रुपये ही आ रहा है वैसे तो, 60 रुपये ठीक बता रहे हो, शर्माने की कोई दिक्कत नहीं है। अब ये नेट प्रॉफिट है, यहाँ पे ऐड हो जाएगा नेट प्रॉफिट, तो क्या हो गया? अब क्वेश्चन में कम प्रॉफिट आएगा तो एग्जाम में छोड़ के थोड़ी आ जाएंगे। यहाँ पे प्लस करते हैं नेट प्रॉफिट 60। अब सर इसमें से माइनस प्लस करके बताइए, कैपिटल माइनस प्लस करके बताइए। अगली क्लास में सबके पास कैलकुलेटर होगा? क्या चीज, किस टाइप का है? वो मेरे पास आज है नहीं, नहीं तो मैं आपसे इतना बोलता ही नहीं कि टोटल करिए टोटल करिए। नहीं नॉर्मल आप सिटीजन का मिल जाता है आपका, 100 रुपये के आसपास का कैलकुलेटर आता है, और कोई ओरिजिनल ओरिजिनल के चक्कर में मत पड़िए, लोकल लीजिए क्योंकि वो गिरते पड़ते रहते हैं। क्या है बताइए इसको माइनस करके, क्या 90। अब इसको टोटल कर दीजिए,
भाई जो लाइव में बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं? आपको भी बताना है, कैलकुलेटर आपने भी लेना है, ठीक है? टोटलिंग क्या आ रहा है सही से चेक करके बताइएगा। 1 लाख। चेक करिए आंसर, अलग आ रहा है, सेम है बुक में देखिए। 607, ठीक है। किसी को डाउट डाउट है तो बताइए, समझ में आ रहा है? ये अभी तक सवाल क्या था, बेसिक आपको एक फॉर्मेट बताया गया और थोड़ी सी 11वीं क्लास की याद जो थी पुरानी हो चुकी थी उसको थोड़ा सा बस रिमाइंड किया गया। अब हम इसके बाद पहले एडजस्टमेंट देखेंगे, उस एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन करेंगे। इसको एक बार फटाफट नोट करिए।